just get it started. I know that you want it, baby, just get on it, ready to go. We know how to party, pull out the Bacardi, feel it in my body, put on a show. Good morning, Big Boss. मेरा घर ये Big Boss का नहीं, बढ़िया ही गुड मॉर्निंग कर दिया। हाँ मम्मी ठीक है, चलो मेरा फेवरेट शो देखने का टाइम हो गया। दिन सवा सुबह 9 बजे। पूजा, what is this behavior? I kicked it by mistake. No, you can't kick it by mistake. Pick it up if it bothers you. No, you pick it up. You do not tell me what to do. You do not tell me what to do. You do not tell me what to do. Oh, what? You wanna hit me? You want it? Cause you're asking for it. You're dying for it. Get off my back. Got it? शाम 7 बजे। ए सिद्धार्थ गुंडे, तुझ जैसी लड़की तो मैं घर भी नहीं बुलाता। ऐसी माने? ऐसी ऐसी माने कैसी? ऐसी क्या देख रही है बिग बॉस? सारे टाइम बस ये देखते रहना, लड़ाई झगड़ा काली गलौज देखते रहना, कभी दिमाग मत बढ़ा लेना अपना, केबीसी को भी देख ले। हाँ ठीक है। क्या यार, मम्मी जी ने नहीं देखी। देवी सुनो, देखते सबसे तेज जवाब किसने दिया है? सबसे तेज जवाब मीना कुमारी। आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत अविश्वसनीय पारंपरिक अनुशासन प्रिय खेल। कौन बनेगा करोड़पति माउस ट्रैप? आइए देव जी विराजमान होइए। खेला शुरू करने से पहले कंप्यूटर जी ने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, आइए उसको देखते हैं। हाँ जी देख लेते हैं। माँ बाप बहुत ही गरीब हैं, लेकिन मैं हमेशा से ही पढ़ना चाहती थी। फिर मैंने दूसरों के घर में पोछा मारना शुरू किया। फिर मेरे पास पैसे आए तो मैंने खुद की पढ़ाई पे पैसे लगाए। फिर मैं लोगों को ट्यूशन पढ़ाने लग गई। अब मैं किराए के घर में पोछा मारती हूँ। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं केबीसी में जीती अमाउंट से अपने घर, अपने खुद के घर में पोछा मारूं। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 5000 रुपए के लिए ये रहा। मेरे अंगनों में तुम्हारा क्या काम है? इस गीत में कौन सा अभिनेता ने अपनी कला दिखाई है? ऑप्शन ए अजय देवगन, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी शाहरुख खान या ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। सर मैं फिल्म तो नहीं देखी है, ये मेरे जमाने की नहीं है ना, पर मुझे डाउट है बी और सी में। सर आप बता दें। देखो जी, आप हमें ऐसा ना देखें, हमें इसका उत्तर नहीं पता। सर एक मिनट, सर डी लॉक कर दो। ऑप्शन डी को ताला लगा दिया है। हाँ जी सर, एक मिनट सर, क्या बता दी? सर डी लॉक कर दो। कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी को ताला लगा दिया जाए। वीरो जी, आपका ये उत्तर एकदम सही है, आप जीते हो 500 रुपए। सर मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत सपने देखे सर। सर मेरे पापा आना चाहते थे यहाँ पे। सर सर सब आपकी कृपा है सर। सर आपने सब कुछ किया सर। कैसे पता था आपको इसका उत्तर? सर मुझे ना याद आ गया, मैंने बाकी तीनों की फिल्में मेरे पापा ने मुझे दिखाई थी सर। बस ये वो सर वो आपकी वाली फिल्म नहीं देखी थी। हाँ जी सर, हाँ बस मैंने ना जय माता दी बोल के तुक्का मार दिया। हाँ जी। ये देखिए 500 रुपये ये गए आपको बैंक अकाउंट में। खिला के बनाने से पहले रिव्यू एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक कहीं में जाइएगा, वापस ही आएगा। इसको देखो तो मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
अच्छा वो ऐड आ गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोना मालिंग है, मैं सोना नगर में रहती हूँ। गाना सुनाइए अपना। मैं तो रस्ते से जा रही थी टन टन टन। मैं तो भेल पूरी खा रही थी टन टन टन। मैं तो रस्ते से जा रही थी भेल पूरी खा रही थी लड़की घुमा रही थी। मुझको मेरी ची लगी तो मैं क्या करूं, मुझको मेरी ची लगी तो मैं क्या करूं। पिछले जन्म में तेली सोप की हीरोइन थी। इतनी ओवर एक्टिंग ये नहीं देख सकती मैं। मम्मी लगता गई हुई है, वापस बिग बॉस लगा लेती हूँ। खत्म हो गए तो यार, अब क्या करूँ? अब जो आ रहा है वही देख लेती हूँ, कम से कम पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ेगी। क्या पहन के आया है तू? आई कांट लुक एट यू। नमस्कार मलाइका जी, नमस्कार किरण जी, नमस्कार करण जी। कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम संतोष है और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। ये तो मेरे लोग हैं, तो फिर क्या दिखाने वाले हो? मैं बहुत ही खतरनाक स्टंट करने वाला हूँ जिसको देख के आपकी होश उड़ जाएंगे। ऐसे काम ना क्या करो, मेरे से तो देखा ही नहीं जाएगा। चलो शुरू करो। ये मॉडल है, मैं अपने सर पर मारूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। ये मेरा स्टंट है, लेकिन उसको और खतरनाक बनाने के लिए मैंने एक और स्टंट मिक्स किया है, वो आप जैसे जैसे देखेंगे वैसे समझ जाएंगे। मेरा अगला स्टंट, मैं इसको बंद कर दूंगा और शीशे में पूरी फॉर्म जम जाएगी, लेकिन फिर भी मैं चल पाऊंगा। लिया करो, मेरी तरफ से तो आपके लिए ना है। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैंने इतना से चंद से दिखाया है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप बताऊंगा बदला लेके जाऊंगा, अगली बार जाऊंगी मैं तेरी फॉर्म में गायब कर दूंगा। और मेरी तरफ से तुम्हें भी ना है। मम्मी सही बोलती है, सारे रियलिटी शो फेक होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं। कहीं पर WWF चलाया हुआ है और कहीं पर सीरियल चलाया हुआ है। कुमकुम भाग्य ही देख लेती हूँ।